आइए क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आप को उस परम पिता ईश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु को समर्पित करें, जो हमारे बीच में इस रोटी के रूप में उपस्थित होने वाला है। हम इस नित्य आराधना के माध्यम से उस प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं, उस प्रभु का स्वागत हमारे जीवन में करें, जो निरंतर हमें अपनी बाहें फैलाकर पुकार कर बुलाता है। आइए हम उस प्रभु के पास में आए जो आज हमारे परिवार में इस चैनल के माध्यम से आने वाला है। आइए हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ में उस प्रभु का स्वागत करें और अपने सारे निवेदन, सारी प्रार्थनाएं उसको सुना दे जो हमें पुकारता है, जो हमें कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए हम हमारी सारी तकलीफों को, सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को उस प्रभु को अर्पित करें और हमारे निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना महिमा होवे। आज की स्तुति आराधना की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का ध्यान एक वचन की ओर केंद्रित करना चाहती हूँ और वह वचन कुछ इस प्रकार है,
सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2, जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है। क्यों बाइबल का वचन ऐसा लिखा हुआ है, जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है? मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। एक बार की बात है, एक माँ अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ने के लिए खड़ी रहती है। ट्रेन आती है और उस ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत सारे यात्री होते हैं और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी होती है। माँ सोचती है, सबसे पहले मैं मेरे बच्चे को चढ़ा देती हूँ, और वो अपने छोटे बेटे को पहले चढ़ा देती है और सामान को फिर अंदर रखने लगती है। जो बड़ा बेटा है वो अपनी माँ की मदद करता है सभी सामान को रखने के लिए, क्योंकि वो छुट्टियों में अपने घर वापस लौट रहे थे। छोटा बेटा देखता है कि मेरा बड़ा भाई मदद कर रहा है, तो वो भी नीचे उतर जाता है, और उस वक्त माँ का ध्यान नहीं जाता है कि छोटा बेटा ट्रेन से नीचे उतर गया, क्योंकि माँ का ध्यान सामान अंदर करने में लगा रहता है। ट्रेन चल देती है, माँ और बड़ा बेटा दोनों ही चढ़ जाते हैं। माँ बड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है कि हम ट्रेन में चढ़ गए, सब सामान सब कुछ अंदर आ गया। पर अचानक माँ सोचती है, मेरा छोटा बेटा कहाँ गया, और वो माँ घबरा जाती है कि मेरा बेटा कहाँ गया, और वो रोने लगती है जोर जोर से। वहाँ के यात्री सब इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलती है, मेरा छोटा बेटा मुझे नहीं मिल रहा है। और तभी वहाँ के यात्री उस माँ की मदद करते हैं, वो स्टेशन में फ़ोन लगाते हैं कि क्या कोई वहाँ कोई बच्चा है, और वो बच्चा सुरक्षित वहीं पर रहता है स्टेशन में। माँ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अगले स्टेशन में उतरकर फिर से वो रिटर्न जाती है अपने बच्चे को लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए उन बातों को हम भूल जाते हैं। हम बोलते हैं, ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम 24 घंटों में से एक घंटा भी प्रभु की स्तुति आराधना के लिए नहीं निकाल पाते हैं। बस हम अपने ही काम में व्यस्त रहते हैं, हम ड्यूटी जाते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम सो जाते हैं, इसी प्रकार हमारी रोज की दिनचर्या होती है। पर जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रभु को स्तुति देना, प्रभु को आराधना देना, क्या उसके लिए हम समय निकालते हैं? क्या हम प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए सीरियल देखना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए घूमने जाना इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए पार्टीज करना इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करना, प्रभु को स्तुति देना, प्रभु को आराधना देना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो हमारे लिए सेकेंडरी थिंग होती है। अगर हमें समय मिल गया तो हम प्रभु की स्तुति कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, उसे धन्यवाद दे देंगे। बिल्कुल भी नहीं मेरे भाइयों बहनों। प्रभु का वचन कहता है लूकस का सुसमाचार चैप्टर 21:34 में, सावधान रहो कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हजार दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा एक दिन प्रभु के प्रांगण में रहना अच्छा है, उसकी स्तुति करना, उसकी जय जयकार करना। और आज आपको, मुझे, हम सभी को वो मौका मिला है कि फिर से हम एक साथ मिलकर प्रभु को स्तुति दे, प्रभु को आराधना दे, क्योंकि हमारे जीवन के लिए यही सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वर्ग में जाएंगे वहाँ भी हम यही करेंगे, प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना। तो क्यों ना इस पृथ्वी पर भी हम मिलकर प्रभु को स्तुति दे और आराधना दे। आइए भाइयों बहनों, मिलकर हम इस गीत द्वारा प्रभु को स्तुति दे, उसको आराधना दे और उसका धन्यवाद अदा करें। धन्यवाद यीशु। मुस्कुराना नहीं भूलिएगा मेरे भाइयों बहनों, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ प्रभु को स्तुति देंगे। दिव्य संस्कार से छुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ, तुम हो दिल का करार।
सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। दिव्य संस्कार से झुके मन को मेरे, आके जीवन में तुम बस जाओ। तुम हो दिल का करार, सच्चा तुम ही हो प्यार, आओ मुझको तुम अपना बनाओ। बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। इस क्षण में आप प्रभु को आराधना दे, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो प्रभु महान है, वो प्रभु सर्वशक्तिमान है, और वही प्रभु दयालु है, वो हमेशा हमें कृपा से भरता है, अपनी आशीषों कृपाओं से भरपूर करता है। जिस प्रकार वर्षा होती है तो पूरी धरती पानी से भर जाती है, पृथ्वी का एक भी कोना बिना पानी से नहीं रह जाता है, बल्कि सब कुछ पानी से लबालब हो जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रभु की आशीष है, जब स्वर्ग खुलता है पूरी धरती, मनुष्य जाति, सभी जानवर, सब कुछ प्रभु की आशीषों के पांव से भरपूर हो जाते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इस क्षण में हम यही सोचे कि वो बारिश प्रभु की आशीष हम पर बरसने वाली है, और प्रभु को धन्यवाद स्वरूप इस गीत को हम प्रभु को चढ़ाएं। भूखे रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। भूखे रोटी में शामिल मुझ में हो जाओ दाखिल, कुर्बान है जो भी है मेरा। मेरी इबादत तुम ही हकीकत, सुनके तुम्हारी धुन जाग उठा है मन। मिलकर गाएंगे बरसो बरसो बन के रिमझिम सावन, दिल में उतरो बन के मीठी धड़कन, है ये आराधना मेरा जीवन, है ये आराधना मेरा जीवन। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 शांत हो और शांत हो के प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, आपकी आराधना कर सकूं। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4:4 में लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। आमीन। आइए हम प्रभु के वचनों को सुने, उस जीवंत वचन को जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
प्यारे भाई और बहनों, आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21 तक। ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्य ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष। भाई और बहनों, आज जब इस सुसमाचार के पाठ पर मनन चिंतन कर रही थी तो मन में एक बात आई, यही चमत्कार अगर हम सन लूकस के सुसमाचार में देखेंगे, वहाँ पर लिखा गया है कि जब शिष्य बाहर जाकर सेविकाएं करते हैं और लौट कर आते हैं तो प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनसे कहते हैं, अब चलो हम थोड़ा अकेले बैठकर बात करेंगे, विश्राम करेंगे। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु नाव में चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चले गए। वहाँ पर वे और अपने शिष्य अकेला रहना चाहते थे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अकेले में बहुत सारी बातें सिखाते थे। ये प्रभु के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनल टाइम था, अपने शिष्यों के साथ बैठना। आप सोचिए, जब हम एक रिट्रीट सेंटर जाते हैं तो कैसे हम वहाँ पर 5 दिन अलग होकर सब काम छोड़कर प्रभु के पास बैठते हैं, उसी प्रकार शायद उससे भी अधिक वह प्रभु यीशु जब वो जीवित थे उनके साथ बैठते थे। शिष्य भी कितने खुश हुए होंगे भीड़ से थोड़ा दूर। हर एक इंसान को एक अपना स्पेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक पर्सनल स्पेस, एक पर्सनल टाइम। वह टाइम हम अपने आप को ब्रूम करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा और रिफ्रेश करते हैं। वह स्पेस हम हमारे लिए जीते हैं। वहाँ पर कोई और आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हम इतने पोसेसिव होते हैं उस टाइम के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, हम रीड कर सकते हैं या हम एक वॉक के लिए जाए या हम बस ऐसे ही बैठे डार्क रूम में लाइट म्यूजिक रखकर बैठे। वो हमारा एक स्पेस है, एक पर्सनल स्पेस है और वहाँ पर हम किसी को भी आना पसंद नहीं करते। मित्रों, प्रभु यीशु वैसे एक पर्सनल टाइम में उन्होंने देखा कि उनके पहुँचने के पहले बहुत बड़ी भीड़ आ पहुँची है और ये भीड़ के सारे लोग प्रभु से कुछ ना कुछ चाहते ही है। वहाँ पर प्रभु अपना पर्सनल टाइम नहीं ले सकते हैं, उन्हें उनके साथ टाइम बिताना पड़ रहा है। कई बार जब हम दफ्तर से घर आते हैं हम देखते हैं कि बच्चे वेट करते रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, लेकिन हम पेरेंट्स ज़्यादातर थके मांदे अपने वर्क से, ओवरलोड से, टेंशन से दूर होने के लिए घर दौड़ कर आते हैं। और जब हम देखते हैं बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, बच्चे बहुत चिड़चिड़ रहे और वो हमसे खेलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
नेचुरली हम आंखें घुमाकर दिखा देते हैं, थोड़ा देर चुप हो जाओ बोल देते हैं। हमें वो टाइम उनके साथ स्पेंड करना शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन प्रभु येसु ने हमें सिखाया, देर इज नो पर्सनल स्पेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, देर इज नो पर्सनल टाइम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, और आई शुड से इन द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। प्रभु की सेविकाई में एक पर्सनल टाइम नहीं है, यह टाइम हम प्रभु के साथ मिलकर काम करना होता है, हमें रिलैक्स करने के लिए, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए, फिरने के लिए, नो स्पेशल टाइम। हमें रिफ्रेश करना प्रभु को पता है, वो हमें कर देंगे। हमारे हेल्थ को देखना है, प्रभु उसके लिए हमारे लिए अलग सा समय ज़रूर देंगे। लेकिन अगर हम पॉसेसिव होकर, हम सेल्फिश होकर, अपने लोगों से, अपने परिवार से दूर होकर एक टाइम बिताना चाहते हैं, गलत नहीं है उसमें, पाप नहीं है उसमें, लेकिन प्रभु की सेविकाई के लिए 24/7 हमें तैयार रहना है। इस पाठ में मुझे एक दूसरी बात बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर लिखा है, उन्हें उन लोगों पर तरस आया, शायद इसका इंग्लिश शब्द ज़्यादा अच्छा है, He had compassion on them. वे लोग बीमार थे, उसकी ज़रूरत थी उन्हें, वे वचन के भूखे थे, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और प्रभु को उन पर तरस आया, उन पर दया आई, करुणा आई। एक बार एक व्यक्ति अपनी वाइफ बहुत बीमार होने पर उसे देखने के लिए हॉस्पिटल दौड़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा फुटपाथ के साइड पर एक भिखारी लेटा हुआ था और वो कुछ कह रहा था, हाथ दिखा रहा था। उस आदमी के मन में तरस तो ज़रूर आई, लेकिन वाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए वो वहाँ से दौड़ कर चले गए। 2 मिनट आगे चलने के बाद मन में ऐसा लगा, मैंने गलत किया। वे फिर से दौड़ कर इस गरीब आदमी के पास आए, तब उस आदमी ने आँखों को खोला और कहा, पानी। इस व्यक्ति ने उस भिखारी के होठों पर पानी लगाया और उस भिखारी ने आंखें बंद कर दी और मर गए। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरे जीवन का एक ऐसा क्षण था जब मुझे पता चला, वी शुड हैव टाइम फॉर अदर्स, वी शुड केयर फॉर अदर्स। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में क्या हम दूसरों पर कंपैशनेट होते हैं? उनके दुख और तकलीफ को हम समझते हैं? शायद नहीं, हम बहुत बिजी हो जाते हैं। हम हमारे सोशल मीडियाज में, हमारे फ्रेंड सर्कल्स में, हमारे पर्सनल कंफर्ट जोन में हम बिजी हो जाते हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पर जब लोग आकर बैठे, निर्जन स्थान था, शिष्यों ने प्रभु से कहा, घर भेज दो इन लोगों को। प्रभु ने कहा, तुम इन्हें रोटी दो। शिष्यों ने एक आम आदमी की तरह सोच कर कहा, 5 रोटियां 2 मछली क्या होगा प्रभु? पूछने के पहले ही प्रभु के मन में यह प्लान जरूर हुआ होगा कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन वे चाहते थे कि अपने शिष्य सीखे कि हाथों में जो रोटी और मछली है उसे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ प्रभु को देखे जो जानता है क्या करना है। कई बार हमारे जीवन में भी हम हमारे हाथों में जो रिसोर्सेस है, पैसे की तंगी हो, बीमारी हो, घर के प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ उसे देख कर बैठते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उस पर से नज़र हटाकर प्रभु की ओर देखें, ताकि वह हमारे जीवन में चमत्कार कर सके। आइए आज हम भी प्रभु की तरह लोगों के लिए अपना टाइम दे, अपना टैलेंट दे। हम किस तरह उन्हें हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में सोचें और लोगों की मदद करें। हम थोड़ा और कंपैशनेट बने, सबसे पहले अपने परिवार वालों के साथ, और तीसरी बात, हमारे हाथ में जो तुच्छ चीज़ें हैं उसे नहीं, बल्कि हम प्रभु को देखें। Thank you.
लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो टांगते हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकते हैं जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती हे मसीह, जीवंती ईश्वर के पुत्र याकूब अपने पत्र में कहते हैं, प्रभु ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। यस लॉर्ड। हे प्रभु, तू स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी है, तू हमारे पास आया है प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू। और हम इस समय तेरे पावन चरणों में हैं। यस लॉर्ड। क्योंकि यिर्मयाह नबी कहते हैं, प्रभु मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। यस लॉर्ड। तूने हमें बुलाया है प्यारे प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू। आज हम तेरे पावन चरणों में आए हैं। यस लॉर्ड। हमारी ओर दृष्टि फेर, क्योंकि हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है। तू जो स्वर्ग में वीर सदा के लिए विराजमान रहने वाले प्रभु, इस रोटी के रूप में विद्यमान पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की कृपा कर। हम समर्पित करते हैं अशोक को प्रभु, उसे हृदय के रोग से चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। लवली को उसे सांस लेने में परेशानी है प्रभु, और उसके संपूर्ण शारीरिक रोगों से उसे चंगाई दीजिए। सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान कीजिए। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ज्ञानव दत्त को जो 5 साल का है प्यारे प्रभु, वह चलने में असमर्थ है प्यारे प्रभु। तू कहता है मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। तू अपने नाम के कारण ज्ञानव दत्त को और उसके सदृश उन सभी अचलने में असमर्थ भाई बहनों को स्पर्श कर, उसे मानसिक रोग से भी ग्रसित है प्रभु, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर चंगाई दे। अमृत बाड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो टीबी के रोग से ग्रसित है और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है प्रभु, उसे चंगाई दे। ईसाया नबी बताते हैं प्रभु कि उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम हमारे इन सारे रोगियों भाई बहनों को तेरे पवित्र घावों में चढ़ाते हैं यीशु। जो कोड़ों के मार के खाने के द्वारा उत्पन्न हुए थे, आज उन्हीं घावों के द्वारा हमारे इन सारे रोगी भाई बहनों को चंगाई दे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी से न कुछ मांगा,
हे प्रभु यीशु, नीली टोपों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे ब्रेन के रोग से चंगाई दीजिए। हम पिंकी को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे अपने पवित्र दिव्य लहू का संरक्षण दे और प्रभु अपने पवित्र आत्मा का सांत्वना दे। सबीना मुर्मू को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके सभी विशेष याचनाओं को, प्रार्थनाओं को तेरे श्री चरणों में चढ़ाते हैं। उसके जीवन में तू हाथ बढ़ाकर स्वस्थ, लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। आशीष लकड़ा और अनीसा लकड़ा को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके परिवार में, उनके जीवन में, दुख भरे जीवन में, कष्ट भरे जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ, लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इस समय जो तेरे साथ जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु, उन्हें भी तेरे पावन लहू उपस्थिति का अनुभव होने दे। इस संचार माध्यम के साथ इस समय जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं, तेरी ओर निहार रहे हैं, तो इस पवित्र बलिवेदी से उतर कर उनके परिवार में, उनके समुदाय में, उनके जीवन में प्रवेश कर प्रभु। परिवार के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़, सभी सैतानिक बंधनों को, नशे की आत्मा, वासना की आत्मा को, माता पिता के जीवन में जो पति पत्नी के बीच में जो बंधन है उसको तोड़, माता पिता और बच्चों के जीवन में जो बंधन है उसको तोड़। हे प्यारे प्रभु, उनके व्यवसाय में, उनके जीवन में, उनके खेती बाड़ी में, नौकरी में आशीषित कर प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु, तो अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने पवित्र नाम के द्वारा स्वस्थ, लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे प्रभु। इन सभी प्रार्थनाओं को अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते हुए प्रभु तेरी दुहाई देते हैं। बहे हुए हर एक लहू के बूंद से प्रभु जी आपने हमें चंगाई दी है। प्रभु जी आज के वचन में हमने सुना तुझे हम पर तरस आया और तूने सभी रोगियों को चंगाई दी। ओ प्रभु यीशु, आपकी करुणा की दृष्टि हम पर और हमारे परिवार को हो प्रभु जी। विशेषकर जो लोग अस्पताल में हैं, जो आईसीयू में हैं, जो वेंटिलेटर्स में हैं, जो घर में बीमार हैं, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, लेट देम बी हील्ड बाय द पावरफुल प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्यवान नाम में हर रोगी चंगे हो जाए। उसको तरस आई और उन्होंने सभी रोगियों को चंगाई दी। ओ प्रभु, तेरे नाम के सामर्थ्य से, तेरे वचन के सामर्थ्य से, तेरे लहू के सामर्थ्य से आपकी महिमा के लिए हर रोगी उठ खड़ा हो जाए, हर रोगी चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, जीसस, Jesus, 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 Jesus
Praise the Lord.